क्या गजब का लुक आया है भाई इसका, एकदम वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है ये, एयरपोर्ट की तर्ज पर बना हुआ है ये। ये देखिए, ये गोमती नगर एक्सप्रेस है जो यहाँ से ही बन के चलती है। ये जाती है छपरा कचहरी, यानी यहाँ से गोमती नगर से जाती है छपरा की ओर। तो हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमान और आप देख रहे हैं TZ विद अमान। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वापस से लेके आया हूं एक बार फिर से गोमती नगर रेलवे स्टेशन। जी हां, सामने आप देख सकते हैं एयरपोर्ट की तरफ पर बना है ये। तो भाई आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर होने वाला है। तो जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए आगे की जानकारी आपको देते हैं। तो भाई वीडियो की शुरुआत करूंगा मैं इसके पुराने टिकट काउंटर की साइड से। यहाँ पर आप देखिए ये कुछ नया निर्माण दिख रहा है जो इससे पहले नहीं दिखा था। इसका जो स्काई वॉक है, अंदर चल के मैं आपको दिखाऊंगा, वो वहाँ से इसको जोड़ा जा रहा है। सामने ही आप देख सकते हैं ये है पुराना रिजर्वेशन काउंटर इसका, गोमती नगर रेलवे स्टेशन का। अंदर हम चलेंगे और उस नए टर्मिनल में जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर पिछली बार मैंने आपको वीडियो दिखाया था, जहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ था, सजावट थी, वहाँ चलने की कोशिश करेंगे। वो सामने ही आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, गोमती नगर रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन जो है वो फरवरी 2024 में हो चुका है पीएम मोदी द्वारा। पीएम मोदी जी ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका इनॉग्रेशन किया था। इसके गोमती नगर रेलवे स्टेशन समेत देश के कई स्टेशनों का लोकार्पण और शिलान्यास दोनों ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। ठीक है, आप सामने देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त लुक है। सामने स्काई वॉक है, इसकी मैं बात कर रहा था। स्काई वॉक को इस चीज़ से जोड़ा जा रहा है, शायद ये भी कोई बिल्डिंग बन रही है। भाई मैं आ चुका हूँ इसके ओवरब्रिज पर। यहाँ पर पब्लिक देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। यहाँ पर आप ये देखिए 6 प्लेटफॉर्म हैं जिनकी अपनी अलग अलग लूप लाइन है। इसमें 2 मेन लाइन सामने आपको दिख रही हैं, 1 मेन लाइन इसके जस्ट बगल में है। सामने जो आप रेड बिल्डिंग देख पा रहे हैं इसके जस्ट बगल में है शहीद पथ, जो कमता से लेकर आपको ले जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर यानी कानपुर रोड पर। यहाँ पर देखिए जो स्काई वॉक है इसके बगल में कुछ नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या चीज़ बन रहा है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद ये स्काई वॉक से इसका जाने का रास्ता होने वाला है। आप ये देख सकते हैं इसमें जुड़ा हुआ सा लग रहा है ये, और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से इसको पूरे तरीके से तो नहीं चालू किया गया है, लेकिन आप अपनी यहाँ से ट्रेन को पकड़ सकते हैं। वंदे भारत है या और भी जो ट्रेनें हैं यहाँ से चलती हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। देखिए ये गोमती नगर एक्सप्रेस है जो यहाँ से ही बन के चलती है। ये जाती है छपरा कचहरी, यानी यहाँ से गोमती नगर से जाती है छपरा की ओर। तो भाई यहाँ इस स्टेशन पर जो पैसेंजर्स मौजूद हैं उनमें से आधे से ज़्यादा इस ओवरब्रिज पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि नया टर्मिनल अभी चालू नहीं हुआ है। ये देखिए मैं आ चुका हूँ, यहाँ से ही इसका एंट्रेंस है। ये देखिए यहाँ से ही अंदर जाएंगे हम, लेकिन मुझे वो डोर लॉक दिख रहा है। हम चलते हैं आगे और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ से ही इसकी एंट्री होने वाली है। पूरा ये हॉल एयर कंडीशन होने वाला है। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था इनॉग्रेशन का, उस वीडियो में मैंने इसके अंदर जाके आपको दिखाया था। यहाँ पर देखिए नो एंट्री का इन्होंने पेपर लगा रखा हुआ है। ठीक है, तो ये किसी दूसरे रास्ते से जाइए इन्होंने लिख रखा है, हालांकि ये अभी चालू नहीं है। इसके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग का काम रह चुका है। फिलहाल आप सामने देखिए, जैसा कि आपको पता है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ख्वाब यानी सपना था ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन कि इसको वर्ल्ड क्लास बनाया जाए, तो उनके ख्वाब को साकार किया जा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल इसको वर्ल्ड क्लास लुक दिया गया है, एयरपोर्ट की तर्ज पर बन रहा है ये। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इस वक्त मुझे इस गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर मूवमेंट्स दिखाई दे रही हैं, यानी ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा हैं, कि चाहे वो यहाँ पर खड़ी हो या कुछ LHB रेक खड़े हों जो यहाँ से बन के चलती हैं, वो हो या लोको हो। सामने आप देख सकते हैं V4 लोको खड़ा हुआ है, उसके आगे DG4 एक लोको खड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके बगल में जो ओवरब्रिज बन रहा था सामने, जो पैसेंजर्स के आने के लिए जो ओवरब्रिज बन रहा था, वो ओवरब्रिज रेडी हो चुका है और इसके नीचे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था लगभग वो भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ मिट्टी का पटाव चल रहा है और फिनिशिंग जो है कह लीजिए मार्बल बिछाने वाला काम वो अभी भी रह गया है। ये देखिए सामने आप देख सकते हैं। तो गाइस ये ओवरब्रिज मैं इसलिए आपको दिखाने आया हूँ क्योंकि ये एलिवेटेड रास्ता टर्मिनल पर डायरेक्ट जाने के लिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये आपको एयरपोर्ट वाली फीलिंग देगा। लगभग 450 मीटर का ये रास्ता है जिससे कि आप अपने टैक्सी वगैरह से या अपने कार से भी आते हैं तो सीधा आपको फर्स्ट फ्लोर पर उतार देगी टैक्सी आपकी। वहाँ से आप सीधा टर्मिनल के अंदर आ जाएंगे और प्लेटफॉर्म पर चले आएंगे। ओवरब्रिज के जरिए आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाना है वहाँ जा सकते हैं। ये देखिए भाई सामने ही है ये नया वाला रेलवे स्टेशन। ये देखिए नया जो वॉशरूम
चालू किया गया था प्रसाधन, वो अभी भी लॉक है, अभी चालू नहीं हुआ है, ये नया बन के तैयार है। इस टर्मिनल के खुलने के साथ ही इसको भी चालू कर दिया जाएगा, फिर पैसेंजर्स इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। फ़िलहाल आप ये देखिए, यहाँ पर एक मशीन काम कर रही है, जेसीबी। ये देखिए किसी तरह की मिट्टी वगैरह सेट कर रही है। यही मुझे लगता है कुछ आखिरी काम रह गया ये, और एक जो जहाँ से मैंने एंट्री ली है वहाँ से एक थोड़ा बहुत ढलाई का काम यानी कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, वो रह गया है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, और इसके सामने जो मॉल नुमा चीज़ बन रही थी, जो वेटिंग हॉल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह, हम चलते हैं उधर और वो चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सामने खड़ा है हमारे एक गोरखपुर मंडल का V4 लोगो, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त लोगो होता है दोस्त। सामने ही है DG4 एक गुड्स ट्रेन के लिए। दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप मुझे बताएं, क्या मैं ट्रेन ब्लॉगिंग करूं? आपको ट्रेन ब्लॉगिंग पसंद है तो मैं ट्रेन जर्नी भी करके दिखा सकता हूं आपको, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरा ट्रेन ब्लॉगिंग देखना चाहते हैं तो ट्रेन की जर्नी करके दिखाऊंगा मैं, और ट्रेन की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताया करूँगा रेलवेज़ की। तो ये देखिए भाई, हम बाहर की ओर आ गए, यानी इसके फ्रंट साइड पर, यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। तो चलिए हम चलते हैं, इसकी नई जो बिल्डिंग बन रही है वो हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये देखिए, यहाँ से आप एंट्री लेंगे अगर आप इसके फ्रंट एरिया पर आ रहे हैं तो। मैं जिस तरफ से आया था उसका बैक साइड हो गया, क्योंकि ट्रेन कोच रेस्टोरेंट जो है वो उस साइड पर है जहाँ से मैं आया था। ये देखिए यहाँ पर इसका नाम पड़ा हुआ है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन, ठीक है, सेकेंड एंट्री है ये। लेकिन अभी ये फ्रंट एरिया बन चुका है, क्योंकि जो नया निर्माण बिल्डिंग का हुआ है वो इसी साइड से हुआ है। तो भाई सामने आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, इस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा था जो फ्रंट एरिया से बनाई जा रही है। इस बिल्डिंग के अंदर आपको शॉपिंग मॉल जैसी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, जैसे कि आपको एयरपोर्ट पे शॉपिंग जैसी मार्केट वगैरह अंदर देखने को मिल जाएंगी, मल्टीप्लेक्स मिल जाएगा आपको, रेस्टोरेंट मिल जाएगा, कैफेटेरिया मिल जाएगा, लाउंज की फैसिलिटी मिलने वाली है, और रिटायरिंग रूम भी इसी के अंदर होने वाला है। और सामने जो आप टर्मिनल देख पा रहे हैं इसमें वेटिंग हॉल है, आप अपनी ट्रेन का इसके अंदर वेट कर सकते हैं, और इसी के अंदर डिस्प्ले वगैरह होगी जहाँ से आप अपनी ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल इस बिल्डिंग के अंदर आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलने वाली है। इसके अंदर जो सामने आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इसके अंदर एस्केलेटर वगैरह हैं, लिफ्ट वगैरह लगाई गई हैं, और पूरा एयर कंडीशन ये हॉल होने वाला है। इसके अंदर जो चेयर लगाई गई हैं उसके ऊपर लेदर की कोटिंग की गई है, ये आप सामने देख सकते हैं। ये थोड़ा बहुत काम रह गया इस रोड का, ये फ्रंट एरिया है, यहाँ से ही आपको एंट्री मिल सकती है। तो भाई इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन तो हो चुका है, लेकिन ये आम पब्लिक के लिए कब चालू होगी ये तो क्लियरली नहीं कह सकता हूँ मैं। फिलहाल अगर ओवरऑल अभी इसके अंदर का काम देखा जाए कम से कम 2 से 3 महीना और लग सकता है, क्योंकि फिनिशिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और रोड वगैरह बना दी जाएगी तभी एंट्री मिलेगी यहाँ पर आने के लिए इस बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। बाकी तो आप स्टेशन पर अभी भी आ सकते हैं, ट्रेनें वगैरह मिल रही हैं, चालू है ये स्टेशन, लेकिन इस नए बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसको जल्द ही चालू कर दिया जाएगा। तो भाई हम वापस से आ गए हैं स्टेशन के अंदर और जा रहे हैं वापस से उस पार, हमारी गाड़ी उधर ही खड़ी हुई है, और इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। सामने आप स्काई वॉक देख सकते हैं, शीशे वगैरह लगे हैं, चमक रहा है धूप में, कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है ये आप देख सकते हैं भाई, बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया है। तो भाई यहीं पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।